आज जिस शैली के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे उस शैली का नाम है कथकली। कथकली भारत के दक्षिणी राज्य केरल से जुड़ा हुआ है। कथकली का आहार्य यानी वेशभूषा और मेकअप अपने आप में एक कला है। कथा पात्र को इस प्रकार तैयार होने में लगभग 3 या 4 घंटे लग जाते हैं और इसे बड़ी बारीकी से सीखना पड़ता है। बना है और अलग अलग पात्रों के लिए अलग अलग मुकुट होते हैं। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। एक किस्म के लकड़ी से ये बनाया है, उसके लकड़ी के ऊपर सोने का कागज, चांदी और मोर का पंखा ये सब लगा के ऐसे बनाया है, तराशा गया है इन सब चीजों से, और जब रोशनी पड़ती है तो एकदम चमक उठता है। और अलग अलग कथापात्र के लिए अलग अलग होता है, जैसे एक जो हनुमान जी का है वो अलग है, वो श्री कृष्ण का अलग है और दुशासन का अलग है। अलग अलग पात्र के अलग अलग मुकुट होते हैं। आपकी आंखें लाल क्यों हैं? आंख के अंदर एक फूल का अंदर का बीज डाला है, इसलिए आंख लाल कराते हैं लाल, और इससे हम जो भाव एक्सप्रेशन करता है उसमें ज्यादा मदद मिलता है। आंखें चमकती है ना जब अभिनय करते हैं, तो आंखें चमकती है तो जो भी अभिनय करते हैं और अच्छी तरह निकल के आता है। इस हरे चेहरे के नीचे सफेद सी चीज किस चीज से बनी है? चेहरे पे चावल और चूने का एक पेस्ट लगाता है, उसके ऊपर कागज काट के ऐसे बनाता है, इसलिए उसके अंदर जो भाव होता है वो ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। और इसको चुट्टी कहते हैं, इसको जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कथकली के बनाव में, बनावट और श्रृंगार में। आपका ये लहंगा इतना फूला हुआ क्यों और कैसे है? कथकली के कथापात्र अमानुष कथापात्र हैं, ऐसे दिखाने के लिए वो आदमी को बड़ा बनाने के लिए चावल में अंगाड़ा लगा के ऐसे 3-4 लेयर बना के ऐसे बनता है। देवी देवताओं का ही होता है ज्यादातर, तो एक ऑर्डिनरी जो मनुष्य होते हैं, हम जैसे मनुष्यों की तरह दिखना नहीं चाहिए, कुछ अलग दिखना चाहिए ना। इसको बोलता है मृत्युगट, और एकदम कस के बांधा जाता है ताकि जब ये नृत्य करते हैं, कूदना होता है, इतना सब कुछ होता है, तो ये निकलना नहीं चाहिए ना, तो एकदम कस के इसको पीछे से बांधा जाता है। और डांस करने के लिए बहुत आसान होता है, कभी ये तकलीफ नहीं देता, क्योंकि ये रीढ़ एकदम जो है ना एकदम सीधा हो जाता है। हम तो एड़ियों के ऊपर घुंघरू पहनते हैं, तो अपने घुटनों के नीचे क्यों पहने हुए हैं? घुंघरू है वो हम ये मसल के दोनों तरफ बांधता है, इसलिए हम जब जोर से जमीन पे मारता है उसमें कोई तकलीफ नहीं होता, वो हमें मदद देता है, इसलिए हम ये ऊपर पहनता है। मांसपेशियों को एक एकदम टाइट रखते हैं ताकि वो जब वो बहुत ही विगरस डांस करते हैं ना, फोर्सफुल, तो उसमें तकलीफ नहीं होती है। आपने इतनी सारी चीजें पहनी है, आपको दर्द नहीं होता?
देर तो जरूर होगा लेकिन 10 साल तक ये पहन के ही वो प्रैक्टिस करता है, इसलिए उनको उसमें अभी अभ्यास की बात है। गुरुजी ने पहले भी कहा था, आशा ने कहा था कि 3 महीने के बाद ही एकदम से ये वेशभूषा सब पहन के ही नृत्य किया जाता है, ताकि शुरू से ही इसका अभ्यास हो और फिर बाद में आगे चल के बहुत ही आसान हो जाता है। और ये जो शीशा है, जो बार बार हम उनको देखते हुए देख रहे थे, ये जो शीशा है यहाँ पे, ये किस लिए पहना जाता है? असल में ये एक डेकोरेशन है, सिर्फ उनको जब अपने चेहरे में कुछ खराब है वो देखे, वो ठीक कर सकता के लिए भी ये इस्तेमाल कर सकता है। पूरी वेशभूषा ही अपने में एक कला है। कथकली परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है तरशीला, यानी कि ये पर्दा जो आप देख रहे हैं। कथा पात्र इसके साथ ही मंच पर प्रवेश करते हैं। अब हम इस शैली को जिस प्रकार मंच में प्रस्तुत किया जाता है, उसी तरह हम उस फॉर्म में हम उसे देखेंगे। आशन, आप अब बताइए आज की प्रस्तुति क्या है? आज जंगल का एक घटने का वर्णन है। जब एक नायक जंगल में घूमते हैं तब वो देखते हैं और उसका वर्णन करता है। एक हाथी अपने मस्ती में जंगल में घूमता है, पत्ता खाता है, मिट्टी अपने ऊपर डालता है, और जब ऐसे मस्ती में जाता है एक अजगर उनके पैर पर पकड़ता है, और अजगर और हाथी आपस में लड़ाई करता है। ये देखे एक शेर जो बहुत भूखा है, वो हाथी के ऊपर चढ़ता है, उसका माथे तोड़ कर खून पीता है, और जब वो उनको तृप्त हो जाता है वो चले जाता है, लेकिन हाथी मर जाता है और अजगर उसको खाता है। जंगल में तरह तरह के जानवर होते हैं। बड़ा सा एक अगर हाथी है और उसे एक छोटे से अजगर ने खा लिया, तो इससे क्या सीख मिलती है हमें? कि हमें अपने बड़े होने पर गर्व नहीं करना चाहिए। अच्छा। गर्व नहीं करना चाहिए तो कैसे रहना चाहिए? नम्रता पूर्वक, है ना? हाँ। और हाथी का जो हस्त मुद्रा आपने आशा ने बताया था वो कैसा था? ये बताया था। हाँ। और इसमें बाकी जो है पूरा नहीं हुआ। हाँ, पूरा उठा के करो ना। हाँ, ये तब मजा आता है ना। और बाकी इसमें जो जानवर हैं उनके क्या हस्त मुद्राएं थे? अजगर सांप के हस्त मुद्रा। हाँ, शेर की मुद्रा। हाँ, चलिए अब इस कहानी का आनंद उठाएंगे हम लोग और हर एक हस्त मुद्रा को ध्यान से देखेंगे। हर शैली में आप जानते ही हैं कि अलग अलग तरीके से पैरों का इस्तेमाल होता है और पूरे शरीर का जो एक स्थानक है वो कथकली में कैसे आप देखेंगे। आपको ध्यान से देखना है पैरों का चलन। आशान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और हमें और अपने हमारे बच्चों को इतने प्यार से कथकली के बारे में समझाया। कथकली के साथ कई परंपराएं जुड़ी हुई हैं। कथकली के आरंभ में केरल का एक पारंपरिक दीप जलाया जाता है और ये दीप की जो लौ है वही कथकली का असली प्रतीक है। जिस प्रकार दीप की लौ जलती है और अंधकार को दूर करती है, उसी प्रकार कथकली प्रज्वलित हो उठती है। चिंगारी से भिन्न भिन्न रंग निकल कर आते हैं, उसी प्रकार कथकली के विभिन्न पात्र जब दीप के सामने आते हैं तो मानो जीवंत हो उठते हैं।